क्योंकि एक नई फसल, एक नई बीज बोई है उन्होंने पूरे देश भर में, सिर्फ अपने अपने गांव में नहीं, अपने अपने खेतों में नहीं, पूरे देश की भूमि पर जो बीज बोया है उन्होंने, वो बीज है नए उम्मीद का, वो बीज है आने वाले जनतंत्र के लिए नई आशा का, तानाशाही खत्म करने वाला दवा उन्होंने लाया है अपनी लड़ाई के साथ। तो ये तानाशाही से, जिस तरह से बुलंदी से, निडरता से किसान भाई बहन लड़ रहे हैं, मजदूर भाई बहन लड़ रहे हैं, उनको सलाम करने के लिए हम आए हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में भी लड़ाई जारी है, महाराष्ट्र में सारे जन आंदोलन, सारी ट्रेड यूनियंस, सारे छोटे मोटे जो ग्रुप न्याय के लिए, सत्य के लिए लड़ते हैं, वो सारे एक साथ आके जन आंदोलनों की संघर्ष समिति बनी है। उनकी ओर से मैं आई हूँ और जगह जगह पे महाराष्ट्र के साथी है, ज्यादातर शाजापुर बॉर्डर पे भी है। आज और कुछ जत्थे निकल रहे हैं महाराष्ट्र से और आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये लड़ाई बनी रहेगी। और ये लड़ाई है सत्ता के सामने सत्य की लड़ाई। सत्य हमारे साथ है, न्याय हमारे साथ है। तो सत्ता चाहे जितनी तानाशाही करे, और मोदी जितनी बार इस देश को बेचना चाहे, उनको ये बताना होगा कि अंबानी का तो नारा है कर लो दुनिया मुट्ठी में, और उनकी मुट्ठी में आप चले गए हो, प्रधानमंत्री चले गए, इस देश की सरकार अंबानी के मुट्ठी में चली गई, लेकिन किसानों का, मजदूरों का ईमान, इस देश के प्रति जो प्यार है, जो लगाव है, जो लड़ने की उम्मीद है, वो रिलायंस के और अंबानी के मुट्ठी में आने वाले नहीं है, ये कहने के लिए सारे यहाँ पे मौजूद है। तो अंबानी को और अदानी को तो इशारा जा चुका है, सरकार को भी, सरकार की तो नींद उड़ा दी है, और इस बात के लिए भी बधाई देनी होगी सारे, खास करके किसान भाई बहनों को, कि बहुत सालों बाद अखबारों के पहले पन्ने पर किसान आया, किसानी की बात आई, नहीं तो किसानों की खुदकुशी भी हुई तो चौथे पांचवें पन्ने पर एक छोटी सी खबर छपती है। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी कृषि व्यवस्था, सबसे बड़ी आबादी जिस कृषि में है, उनका कोई भी मुद्दा हो, उस मुद्दे के लिए पहले पन्ने पर जगह नहीं मिलती थी। आज पहले पन्ने पर किसान ले आए हैं कृषि का पूरा मसला, और इसके लिए भी वो बधाई के लिए उनको बधाई देनी ही होगी। अंबानी को धूल चखाने वाले इस देश में बहुत सारे हैं। मैं महाराष्ट्र के उस रायगढ़ जिले से हूँ जो रायगढ़ शिवाजी राजा के नाम के लिए जाना जाता है, जो रायगढ़ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की लड़ाई के लिए जाना जाता है, और वहां से अंबानी को वहां के सारे किसानों ने एक साथ आकर धूल चखाई। हमारे 35,000 एकड़ जमीन रिलायंस छीनना चाहती थी, और सारा कलेक्टर से लेकर सारा उनकी मुट्ठी में था, पैसे बट रहे थे, दबाव बहुत ज्यादा था, तानाशाही भी बहुत थी, लेकिन उसके बावजूद रायगढ़ के किसानों ने यह कर दिखाया कि भले आपकी मुट्ठी में कितना भी पैसा हो, जमीन के प्रति हमारा जो ईमान है, जो निष्ठा है, वो हम कितना भी दाम आप दे दो, कितने भी पैसे फेंको, हम उसको बेचने वाले नहीं। और रिलायंस को वहां से भागना पड़ा। ये 10 साल पुरानी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन वहां से रिलायंस को जाना पड़ा, मुंबई से सटा हुआ इलाका है। तो सत्य और न्याय की जीत होनी ही होनी है, इसलिए दम भरना है अपनी सत्य की बात में, दम भरना है अपनी न्याय की बात में, और बुलंदी से इस लड़ाई को आगे ले जाना है। परसों जो चर्चा हुई है उसमें अहम मुद्दे सरकार ने टाल दिए हैं, 3 जुल्मी कानून रद्द करो और MSP को कानूनी दर्जा दो, इन दो चीजों को उन्होंने टाल कर बाकी बातें बहुत सारी की, खाना खाया किसानों के साथ, एक माहौल बनाने की कोशिश की कि हम साथ में हैं, लेकिन इस मांग पर डटे रहेंगे। जो समर्थन देने आए हैं और जो लड़ने रहे हैं, उन सबको ये बताना जरूरी है कि सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर पे आप नहीं हो, पूरा देश उम्मीद के साथ देख रहा है, पूरा देश आशा के साथ देख रहा है इस लड़ाई को, क्योंकि उम्मीद जागी है सबकी निगाहों में। और ये ऐतिहासिक लड़ाई है, अभूतपूर्व लड़ाई है, इतिहास में तो मजदूर और किसानों का नाम सुवर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह की बुलंद लड़ाई लड़ रहे हैं वो इतिहास में दस्त होने के काबिल है। लेकिन मोदी जी, आप सोच लो कि इस लड़ाई के साथ आपका नाम किस तरह जोड़ा जाएगा, आपके जो जिस तरह से कार्रवाइयां चल रही है अमित शाह और मोदी की,
उनका नाम इतिहास में कैसे लिखा जाएगा इसका थोड़ा ख्याल करिए, इसकी थोड़ी चिंता कीजिए। ये भी आज बहुत जोरदार तरीके से कहना होगा और लड़ना ही होगा हमको जब तक सत्य की जीत नहीं होती है। कल 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्मदिवस है और उस दिन हमने महाराष्ट्र से नारा दिया है कि सारी सावित्री की बेटियां, मराठी में कहते हैं सावित्री चा लेकी चा हाथी शेतकऱ्यांचा आंसू, यानी किसान के हाथ में जो चाबुक होता है वो चाबुक सावित्री की बेटियां यानी महिलाएं आके चलाएंगी अपनी अपनी गांव में, पंचायतों में, अपने अपना जो सार्वजनिक क्षेत्र है जहां ज्यादातर पुरुष होते हैं वहां पे महिलाएं आके वो चलाएगी आंसू, वो चाबुक, और वो चाबुक इस सरकार पर चलाया जा रहा है। तो हर राज्य में कुछ ना कुछ हो रहा है, हर देश का हर राज्य किसान और मजदूरों के साथ लड़ रहा है। ये लड़ाई हम एक साथ मिलकर और मजबूत करेंगे और इसको एक ऐतिहासिक कदम बनाएंगे। इसी के साथ मैं मेरे कुछ शब्द पूरी करती हूँ, लड़ेंगे। मैं कहूंगी मोदी सरकार सुन लो, आज आप कहेंगे राज यहाँ करेगा किसान राज, यहाँ चलेगा किसान राज। मोदी आप सुन लो आज, दूसरी बार बोलना है मजदूर राज। मोदी आप सुन लो आज, मैं कहूंगी बंद करो अब मन की बात, आप कहेंगे सुन लो अब किसान की बात, दूसरी बार मजदूर की बात। बंद करो मन की बात, बंद करो मन की बात, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कॉमरेड उल्का जी, आपने बहुत जोश भरा है हमें और महाराष्ट्र के लड़ाई के लिए आपको भी बधाई। और साथियों मैं आग्रह करूंगी, अभी हमारे आशा वर्कर्स यूनियन की जुझारू नेता भी है और हमारी हरियाणा सीटू की प्रधान कॉमरेड सुरेखा अभी आई है, कि वो उनसे आग्रह करूंगी कि मैं उन बात रखे। बैठ सकते तो बैठ जाओ, लेकिन ये नीचे में मिलती है ना, थोड़ा बैठ सकते हैं क्योंकि अभी कुछ गाड़ियां जो पीछे आ रही हैं वो जाम में फंसी हुई हैं। हम भी ये भी हाँ, ये इधर से जुलूस भी निकलेगा और अपनी भी गाड़ियां पीछे फंसी हुई हैं जाम के अंदर, तो उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा। हम भी 2-3 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पहुँचे, गाड़ी नहीं पहुँची हमारी। तो साथियों अभी बात चल रही थी कि बताया कि किसानों को किस तरीके से ये जो 3 काले बिल है ये भी किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, और हम यहाँ पे आए हैं आज यहाँ इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए। और ये केवल समर्थन नहीं है, इसलिए समर्थन नहीं है, हमारा भी आंदोलन बनता है। ये हमारा भी आंदोलन इसलिए है कि ये जो 3 कृषि के बिल है, ये 3 कृषि के बिल जितने किसानों को प्रभावित कर रहे हैं उतने ही ये 3 कृषि के बिल मजदूरों को भी प्रभावित कर रहे हैं। जब आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव करके कालाबाजारी की जिस तरह से छूट दी जा रही है, उस छूट के बाद मजदूर की थाली से रोटी को उठाने का पूरा प्रबंध हो रहा है। हमारी जो कमाई है उसका बड़ा हिस्सा हम 2 जून की अपनी रोटी कमाने पर, उसका प्रबंध करने पर ही खर्च कर देंगे। यदि ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में जैसा बदलाव सरकार चाह रही है यदि ये कर देती है और ये कर पाती है अपने मंसूबों में, यदि कामयाब हो पाते हैं तो। दूसरा, जब ये कह रहे हैं कि हम मंडी को खत्म करेंगे, किसानों को आजादी दे रहे हैं, ये जो किसान यहाँ पे आए हैं ये कह रहे हैं कि हमें ये आजादी नहीं चाहिए, और ये आजादी नहीं है, असल में ये किसान की बर्बादी है। और ये किसान की बर्बादी के साथ साथ ये तमाम जनता की, मजदूरों की भी बर्बादी है। और वो इस तरह से है कि यदि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसानों की फसल खरीदेगी ही नहीं, तो जो हमारी खाद्य सुरक्षा प्रणाली है उसके तहत जो गरीबों को राहत मिलती है, खाद्य की सुरक्षा मिलती है हम लोगों को, जो पीले और गुलाबी राशन कार्ड पे हमें मदद मिलती है वो मदद बंद हो जाएगी। जो स्कूलों के अंदर मिड डे मील आता है, उस मिड डे मील पे भी जब वो खरीदारी सरकार नहीं करेगी तो वो राशन भी नहीं पहुंचाएगी, और ये कहेगी कि हम तो बच्चों के खातों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे, और इसकी चर्चाएं कई दिनों से चली हुई हैं कि हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे। फिर ये आंगनबाड़ी सेंटरों पे भी जो 0 से 6 साल के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, दूध पिलाने वाली माताओं को,
जो राहत मिलती है, इस राहत के लिए भी वो कहेंगे कि हम तो जो है लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसे भेजेंगे। और वो कैसे पैसे भेजेंगे ये हम सब जानते हैं, ये हमने इससे पहले देख लिया है। जब मोदी जी शुरुआत में आए थे तब उन्होंने ये कहा था कि जो गैस की सब्सिडी है उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है और ये भ्रष्टाचार मिटाना है। महिलाओं की आंखों में जिस तरह से आंसू आते हैं, बेचारी उपलों में और लकड़ी पे काम करना पड़ता है, मैं मोदी अब मैं सब महिलाओं को गैस उपलब्ध करवाऊंगा और सबके सारा भ्रष्टाचार खत्म करके सबके खाते में सीधी गैस की सब्सिडी मैं भेजूंगा सबके खाते में। लेकिन हम सब जानते हैं कि उस गैस की सब्सिडी का क्या हुआ। जब हमने ये कमल का बटन दबाया था उस वक्त में जो सिलेंडर, गैस का सिलेंडर हमें 300 रुपए में मिलता था, आज वो गैस का सिलेंडर हमें 700 रुपए में मिलता है, कोई सब्सिडी नहीं है। और इसी तरह से ये अभी भी करेंगे। पीले गुलाबी राशन कार्ड वालों को कह रहे हैं कि ये जो डिपो होल्डर है ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और जो मोदी जी तो भ्रष्टाचार मिटाएंगे और इन सब डिपो होल्डरों को जो अब लाइन में लगाएंगे। असल में मोदी जी को किसी डिपो होल्डर को लाइन में नहीं लगाना, उनको जो ये गुलाबी और पीले राशन कार्ड पे जो हमें राशन की सुविधा मिल रही है इसको लाइन पे लगाना है, हमारी ICDS की स्कीम को लाइन पे लगाना है, हमारी मिड डे मील की स्कीम को लाइन पे लगाना है। और इस तरह से ये कानून जितने किसानों के लिए खतरनाक है उतने ही ये हम सब के लिए भी खतरनाक है। ये बिजली का बिल लेके आ रहे हैं, बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव है जिसके खिलाफ आज किसान भी लड़ रहे हैं। ये मांग है कि ये जो है निजीकरण का जो ये बिल है बिजली का, ये 2020 ये वापस लिया जाना चाहिए। वो बिजली का बिल वहाँ से भी किसानों की तो सब्सिडी खत्म होगी होगी, उनका तो ट्यूबवेल का पानी नहीं चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ हर आम उपभोक्ता तक ये बिजली जो है बहुत महंगी पहुँचेगी। अभी वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोग बताएंगे कि उनको कितनी बिजली चाहिए, उनकी आजादी है। अब उस बिजली में भी वो हमें आजादी दे रहे हैं, कौन सी आजादी दे रहे हैं, कह रहे आपको 4 घंटे बिजली चाहिए, कि आपको 10 घंटे बिजली चाहिए, कि आपको 24 घंटे बिजली चाहिए, आप खुद ही चुन लो अपना प्लान। आप मोबाइल में चुनते हो ना डाटा, जैसे कहते कि आपको 2 GB रोज चाहिए, कि आपको 1 GB रोज चाहिए, कि आपको केवल कॉलिंग चाहिए, नेट नहीं चाहिए, और वैसे वैसे पैसे लगेंगे। तो इस बिजली के भी वो कह रहे हैं कि जैसे आप बिजली की डिमांड करेंगे वैसा वैसा हम रेट लगा देंगे, सामान्य से सामान्य रेट 8 से 10 रुपए प्रति यूनिट होने वाले हैं। यदि ये बिल पास होता है, बिजली के निजीकरण का बिल लागू हो जाता है, वो पास होता है, तो ये भी हम सब के लिए उतना ही खतरनाक है जितना किसानों के लिए खतरनाक है। और इसीलिए आज ये जो लड़ाई है ये लड़ाई केवल किसान की लड़ाई नहीं है, असल में ये लड़ाई मजदूर और किसान की है। इसके बाद भी इतना हमला तो हमारे ऊपर हो ही हो रहा है, लेकिन जब ये संसद बैठी और संसद में ये जो कानून पास किए हैं, 1-2 कानून नहीं, 28 बिल पास किए इसी वक्त में संसद के अंदर उन्होंने, और उन 28 बिलों में से जो हमारे 44 श्रम कानून थे उन 44 श्रम कानूनों को भी 4 कोड में बदल दिया है, और उन 4 कोड में बदल के हमें कहा है कि हमसे जो है हमसे हड़ताल करने का अधिकार छीनने की कोशिश की गई है, हमसे यूनियन बनाने का अधिकार छीनने की कोशिश की गई है। जो शिफ्ट है वो 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दी गई है कोरोना काल की आड़ लेके, और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के नाम पे हमें कच्चे रोजगार का प्रबंध किया गया है। जो नारा हम लगाते रहे हैं वर्षों से कि काम पक्का और रोजगार कच्चा नहीं चलेगा, उस नारे को संविधान के अंदर ये जो प्रावधान किया गया है इस प्रावधान को ही बेमानी बना दिया है सरकार ने। तो आज हमारी लड़ाई जो है इन तमाम चीजों के लिए है। CITU ने आह्वान किया है कि किसान लड़ रहे हैं, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। हमने बहुत सारी जगह पे हमारे CITU के कार्यकर्ताओं ने किसानों के कार्यकर्ता एक्टिविस्ट बनके भी हमने काम किया है, लेकिन अब CITU ने ऐलान किया है कि हम एक और मोर्चा खोलेंगे, और ये जो 44 श्रम कानून जिस तरीके से खत्म करके 4 कोर्ट बिल लेके आए इनको वापस लेने की हम मांग करेंगे, पक्के रोजगार की मांग करेंगे। हमारी जो परियोजना वर्कर्स हैं उनके लिए पक्के रोजगार की और उनके लिए न्यूनतम वेतन की मांग हम करेंगे, और इन तमाम चीजों के लिए हमारा एक स्वतंत्र आंदोलन होगा, और उस आंदोलन की नींव हम रखने जा रहे हैं।
हमने उसकी शुरुआत उसका आगाज 30 तारीख से कर दिया है। 30 दिसंबर से हमने अपने अपने काम के स्थान पे जो है हमने प्रदर्शन किए हैं। अब आगे हम जिला स्तर के प्रदर्शन करेंगे, राज्य स्तर के प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल तक भी या कई दिनों तक की हड़ताल तक भी हम पहुंचेंगे। इन तमाम कानूनों को ये जो हमला हमारे ऊपर आ रहा है, आज हमारे जीना जितना मुश्किल हो रहा है, मेहनत कश आवाम पे, हर किसान पे, मजदूर पे, कर्मचारी पे ये जो हमला है, इस हमले का हम सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और यही आज यहाँ पे यहाँ किसानों का समर्थन करने भी और ये बात कहने के लिए आज हम यहाँ सब पहुँचे हैं। और